गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का दिन मार्केट के लिए इस वीक का लास्ट डे है और इसमें कुछ न्यूज़ इनपुट भी आने वाले हैं जो सेकेंड हाफ में आएंगे, वो भी कंडीशन रहेगी। ओवरऑल क्या कंडीशन रह रही है हम उसको वन बाय वन करके देखते हैं। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन साथ में अपडेट मिलती रहे। यहाँ मैं रेगुलर आपके साथ सिल्वर कमोडिटी, गोल्ड और नेचुरल गैस के विषय में डिस्कस करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आपको कोई बाइंग सेलिंग के ऐसे रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, आपको लर्निंग पर्पज़ के जो कंटेंट बेटर लगते हैं मैं आपको शायद शेयर करता रहता हूँ, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं अगर आप लर्निंग के लिए कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो हम आगे सीधे चार्ट पे। चार्ट के लिए फॉर डिस्क्लेमर, यहाँ बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं, हम चार्ट पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसके बेस में फर्दर डिसाइड करते हैं क्या कंडीशन बन रही मार्केट में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो कल हम स्टडी कर रहे थे स्टडी इवनिंग के टाइम पे, डॉलर में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी और उसके बाद में एक रेंज का फॉर्मेशन सिमिलर टाइप से कर रहा है। तो ओवरऑल देखते हैं तो एक हायर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा पंप एंड डंप का सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन क्लोजिंग ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ हुई थी बट स्टिल अभी रेंज में फंसा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो ये सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक नहीं करेगा जब तक इस रेंज में बना रहता है मार्केट के लिए और डॉलर के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेन कंसर्न है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हीट हो रही है इस समय, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा और इन सभी का इम्पैक्ट आपको गोल्ड में भी देखेगा और सिल्वर में भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंडीशन हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन करके। यहाँ पे अभी एक रेंज का फॉर्मेशन है और फर्दर अगर यहाँ से नीचे ऊपर निकलता है तो 104.5, 104.56 ये सारे लेवल्स इसके लिए हायर साइड के लेंगे। नीचे सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर सपोर्ट ये ब्रेक करता है तो जो कल का इसने बॉटम बनाया है ये इस टाइप का, तो 104.2 का यहाँ पे लेवल लगा। अगर यहाँ पे गिरावट के दौर देखने को मिलता है तो आपको गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी देखने को मिलेगी। फाइनली अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड मनी कॉमेक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट में थोड़ा सा ये कैंडलशिप पैटर्न उतना बेटर वैसे नहीं बन रहा है, अप एंड डाउन शो कर रहा है, बट स्टिल जो हमें यहाँ से एक इनपुट देखना है, इनपुट के बेस में अगर आप देखते हो तो यहाँ भी 0.65% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रही है और इस तेज़ी के पीछे कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, तो ये आपको अलर्ट पे रखेगा। अब यहाँ पे 2480 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 80 के लेवल के ऊपर निकलने पे 2500 का रेंज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इंडियन को देखते हैं, इंडियन जो कॉमेक्स है MCX है गोल्ड मिनी का, अगर फ्रेंड्स ये लेवल देखते हो तो ये ट्रेंड लाइन के पास पहुंचता है और कुछ ऐसा लेवल होता है कि जिससे इसे थोड़ा सा डाउन मूव आता है लगभग 300 पॉइंट के आसपास। अब फिलहाल के लिए यहाँ से एक दोबारा से पुल बैक निकालने की कोशिश करें, 70,000 दोबारा से इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन करना इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फर्दर डिसाइड होगा हायर साइड के लिए। ये रेंज का फॉर्मेशन हमने स्टडी भी देखा था कि काफ़ी बेटर वे से रिएक्ट कर रहा है और ओवरऑल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है जब तक ये 2400 के नीचे नहीं निकलता है, तो इस वजह से यहाँ से हमें एक इनपुट है कि 2400 के ऊपर बना है तो हमें कूल एंड काम होके गोल्ड में बने रह सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं जो कॉमेक्स है सिल्वर माइक्रो का कंडीशन अगर हम देखते हैं, कल इसमें अच्छी गिरावट होती हुई देखने को मिली थी सेकेंड हाफ में, ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे डाउन होते हुए देख रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न थे, जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, जो जॉब क्लेम का डेटा है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है उसमें थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ देखने को मिला है और आज का एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आने वाला है अगर वो भी अगर कुछ ऐसा गिरावट होती हुई देखने को मिलती है तो फेड के ऊपर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जैसा कि अभी फेड के चेयरमैन ने बोला है कि सितंबर में ये टेबल पे रख सकते हैं, उसके बाद में जो वोटिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कंडीशन फ्रेंड्स यहाँ पर जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हैंडल नहीं होती है कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, तो उससे लोग इसको एज ए सेफ हेवन के लिए एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, जिससे अगर कुछ भी चेंज होता है तो एटलीस्ट बुलियंस मेटल जो हैं उसको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ बना हुआ है। आज ही देख रहे हैं तेज़ी और उसके बाद में ये वॉलीटिलिटी अगर आप देख रहे हैं कैंडल का, इसमें लो भी बनाता है 28.3 से नीचे और हाई भी इसने बनाया है सेकेंड कैंडल में, अगर आप देखते हो जो आज का हाई अभी बनता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे काफ़ी वॉलेटाइल है, इस वजह से आपको रिस्क को मैनेज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चलती है उसमें टेक्निकल इंडिकेशन बहुत कम वर्क करता है, साइकोलॉजिकल ज़्यादा वर्क करता है। अगर किसी की साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि वहाँ से मार्केट में गिरावट आने वाली है तो फिर
कोई भी टेक्निकल फॉलो नहीं करता, लगातार गिरावट आती हुई देखने को मिलती है। तो इस वजह से आपको यहाँ भी ये कंडीशन रेडी रहना पड़ेगा। फाइनली जो सिल्वर का हम MCX का लेवल देखते हैं, इसमें कल की गिरावट अगर आप फ्रेंड देख रहे हैं तो ओवरऑल इसमें 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और ओवरऑल कंडीशन आप देखते हैं पूरे दिन का, इसका जो रेंज था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, आप प्रीवियस डे की वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके नीचे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, 83,000 एटलीस्ट पहला हमारा टारगेट था, उससे भी नीचे निकल रहा है, 82,600 का लेवल टच किया है। अब ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर ये दोबारा से 83 के ऊपर सस्टेन करता है तो इस रेंज में ये दोबारा से फंसने की कोशिश करेगा, जो इसको 83,500 से लेके 500-600 से लेके नेक्स्ट इसका जो लेवल बनता हुआ देखने को मिला है 83,000, इसके बीच में ये फर्दर स्टक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्लोबल कंडीशन के ऊपर मार्केट डिपेंड कर रहा है। इस वजह से आपको यहाँ पे अलर्ट पे रहना पड़ेगा। 4 आवर कंडीशन में आप अगर देख रहे हो लगातार गिरावट है। फर्स्ट पुल बैक में अगर बेटर और अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए देखते हैं 83 के ऊपर ही आपको ट्राई करना चाहिए, अदरवाइज मार्केट में अभी गिरावट का टाइम ही जारी है। जब भी बहुत ज़्यादा मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, आप स्पेशली डॉलर को फॉलो करिए, अगर वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो आपको अलर्ट होकर ही प्लानिंग करना है। अगर आप स्टॉप लॉस ऐसे सिचुएशन में नहीं लगाना होता, ऐसे सिचुएशन में आपको स्टॉप लॉस अलर्ट के रूप में लगाना होता है। उसमें प्राइस पैटर्न को आप देखिए, अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे कट करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस जैसे इतनी बड़ी कैंडल बने, स्टॉप लॉस हिट करेगा फिर निकल जाएगा। इस वजह से कंडीशन आपको ये इसमें अपडेट रहने की कोशिश करना चाहिए। ओवरऑल जो 2 दिन की ट्रेडिंग रही है इसमें थोड़ा सी गिरावट होती हुई देखने को मिली, ये थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन है। अब सिल्वर माइक्रो के विषय में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से जो गिरावट का टाइम स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले हमारा प्रेडिक्शन था कि ये जो रेंज बना रखा है इसके नीचे 83,700-83,600 इसके नीचे निकलता है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा फिर डाउन साइड जाने के लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट था 83,500 का लेवल, उसके भी नीचे निकला। नेक्स्ट इसके लिए 84,000 का लेवल था, उसको भी इसने ब्रेक किया, लेकिन उसके पास रुका है, टाइम दिया है आपको। फिर फर्दर एक बड़ी गिरावट आती है लगभग 400 पॉइंट की और लगभग 600 के आसपास टच करके फाइनली इस लेवल पे क्लोज कर रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन अगर हम वॉच करने की कोशिश करते हैं तो ये सिचुएशन यहाँ की इंपॉर्टेंट है। 82,700-83,800 से लेकर 83,000 तक का रेंज अगर ये दोबारा से इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, आपको जैसे ग्लोबल कंडीशन दिख रही है, ग्लोबल सिल्वर देख रहा है, एक पुल बैक होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद इसको स्टेबल करने देते हैं, उसके बाद में ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे 83,500 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, क्योंकि 2 दिन के रेंज को ये डाउन साइड निकाला है। इसमें इसकी एंट्री जो हुई थी 31st को हुई थी, उसके बाद में लगातार हाई साइड में था। बड़ी गिरावट होती है अगर ओवरऑल कंडीशन आप देखते हैं तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट रही है। और सेकंड हाफ में अगर आप देखते हो तो सेकंड हाफ में जब हमने स्टडी किया था उसके बाद में लगभग 800-900 पॉइंट की गिरावट रही है। अगर आप यहाँ पे 700 पॉइंट पे कंसिडर करते हैं तो 1000 पॉइंट की, अगर आप 500 पॉइंट पे कंसिडर करते हैं फिर भी आपको 800 पॉइंट का यहाँ पे मंदी देखने को मिली है। तो हमें जस्ट ट्रेडिंग के लिए काम करना है, ट्रेडिंग में क्या अपॉर्चुनिटी बनती है उसके लिए आपको रेगुलर वॉच करना पड़ता है, अलर्ट करना पड़ता है। जैसा हमने देखा था कि इंगल्फिंग पैटर्न बना रहा था और वो इंगल्फ को इसने बहुत बेटर तरीके से इंडिकेट किया। इस कैंडल में हम देख रहे थे कि जो 83,700-83,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, दोनों कैंडल के स्टिक का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था। 84 के नीचे निकलता तो 84,700-84,800 होता हुआ 83,500, ये सारे लेवल्स थे। अब यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड्स अगर टेक्निकल की बात करते हैं तो ओवरऑल कंडीशन अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 82,400 के आसपास पोजीशन बनती थोड़ा बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही थी, बट अभी ये इस कंडीशन पे यहाँ पे अभी इसको ओपन होने देते हैं, उसके बाद में 83 तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फर्दर डिसाइड करना पड़ेगा 400-500 पॉइंट के लिए। लेकिन वॉलेटाइल बहुत रहेगा मार्केट, ये आपको अलर्ट लेवल है, आपको वॉच करना पड़ेगा। अदरवाइज बड़े मोमेंटम के लिए आपको स्टॉप लॉस भी हिट हो सके। साथ में सेकेंड हाफ का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो US का डेटा आने वाला है वो डेटा दोबारा से इम्पैक्ट करेगा, तो आपको जब 6 बजे के बाद की कैंडल बनेगी वहाँ से आपको पोजीशन और अपने ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ अगर प्रीवियस दोनों कैंडल्स को अगर आप वॉच करते हैं तो ऑलमोस्ट इंगल्फ कर, लेकिन प्रीवियस जो कल की क्लोजिंग है और ओपनिंग है इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। 900 पॉइंट के अराउंड तो इसने क्लोज किया, लेकिन ओवरऑल देखते हैं 84,500 का हाई लगाया है, 82,600 का लो लगाया है, मतलब 2000 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब इसका फॉलोअप की इम्पोर्टेंस है,
जो अभी इसकी क्लोजिंग है प्रीवियस डे के आसपास ही क्लोजिंग कर रखा है। एक होप था एटलीस्ट यहाँ तक नहीं आता 83,000 के ऊपर, 83,500 के ऊपर रहता तो हम पॉजिटिव सेंटीमेंट में रह सकते थे, बट ऐसी सिचुएशन में हमें फर्दर अभी वॉच करना पड़ेगा, नेक्स्ट कंडीशन क्या बनती हुई देखने को मिलेगी उसके बाद ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ही कंजर्वेटिव और सेफर साइड में ट्रेडिंग का प्लान करते हैं। कम पॉइंट के साथ में स्टडी और रेगुलर बेसिस अपडेट मिलती रहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में सर्वाइवल के लिए। थैंक यू, होपफुली आज एक अपसाइड रैली देखने को मिलेगी जो आपको ग्लोबल कंडीशन में बनती हुई देखने को मिले, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है काफ़ी वोलेटाइल है, एक दिन हायर साइड जाता है दूसरे दिन लोअर साइड जाता है, और साथ में डॉलर इंडेक्स अभी स्टडी मूव कर रहा है हायर साइड के लिए ब्रेकआउट के लिए, तो ये दोनों कंडीशन आपको वॉच करनी है उसके बाद फर्दर डिसाइड करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।